कुछ चौपड़ा ने मिटा दिया मैंने, अभी दरगाह नीचे का सारा घी निकल रहा है। इतना आऊँगी इतना फिर यह ठंडी हो भी पाया करें ना। अरे अब तो इसके ऊपर से हाथ नहीं लगा सकते, गर्म होगा तो इतना ठंडी हो जाएगी। फिर आगे मैं साफ सूफ करूँगी, छत पे से आकर मैं योगा करके जब साफ कराया करो। अब इस टाइम निकाल जाया करो तो कितना टाइम लगो, कई बार जल्दी आ जाओ कई बार देर लगे। लो रोटी राटी बना दी, आटा बेच है, अब चलो नीचे। यह भी एक ड्यूटी हो रही है ना सुबह सुबह। छत पे मिलते हैं 5-10 मिनट बाद। बदले हो रहे हैं आज तो, शाम ने भी हो रहे थे अंधीसे का, तो अब भी हो रहे हैं हैं बादल। आज इतना ज़्यादा तो यूँ तो नहीं है कि बिल्कुल बारिश का ही, पर हाँ है आज तो कल शाम को ही लग रहा था बारिश सी, जैसे आंधी आएगी तूफान आएगा। नहीं आया, टन ही हो रही है, हवा नहीं चल रही। तो कर लेती हूँ मैं एक्सरसाइज। राम राम नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं संतोष कहलाव स्वागत करती हूँ आपके अपने इस ब्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में, एक और नए ब्लॉग्स की शुरुआत। टेरिस पर से हो तो सुबह गई थी, नीचे से ही होगी थी वैसे तो किचन से, पर अब टेरिस पे से हो रही है। चालीस योगा करके 2-4 मिनट लेटे ना, शवासन में नींद आने लग जाती है थक के ना, फिर उठने को दिल नहीं करता। फिर तो यूँ सोचा ना पसीने आने के बाद, और जैसे ठंडी ठंडी हवा आती है ना, जब मैं आई जब तो गर्मी थी, हवा हवा आ रही है थोड़ी ही, जब तो घुटन सी थी, बादल है थे, ये थोड़ा छट सा गया बादल, तो अब उठने को यूँ दिल ही नहीं कर रहा था, जैसे यहीं लेट कर ना सो जाओ। और उठना पसीने आते हैं ना, तो यूँ तो नहीं है, थोड़ी हवा चल रही, अच्छा है मौसम कुल मिलाकर, अच्छा लग रहा है। ऊपर छत पर तो बैठ के ना बादलों को देख के ना योगा करते हुए। अब पानी दे देती हूँ, कल शाम ने नहीं दिया था, आधा दे के गए थे, आधा छोड़ गई थी मैं, क्योंकि फिर मेरे को सैर करने जाना पड़ा, लेट हो गई। पानी पे फिर ज़्यादा आती है पौधा में, देती हूँ एक बार पाइप लगा के ना, फिर मिलते हैं चलते हुए। पौधा में पानी दे के ना फिर मैं लगी थी झोली वाली राख लाए थे उठा कर ना, ओली का जो चढ़े की होती है ना, ओली का ध्यान होता है, पहले भी मैं कई बार डालती हूँ, तो आज फिर मैं वो ही डाल रही थी। एक दिन और मैंने बताई थी वो डाल रही हैं, तो 15-20 दिन बाद उसका कर दिया करूँ ना, मार दिया करूँ, क्यों कोई बीमारी नहीं आती। फिर राख हरी वाली भी अच्छी होती है, पर ओली वाली का अलग बताते हैं रिजल्ट। मौसम फिर चेंज हो गया, फिर बादल से हो रहे हैं, तो कुछ उधर से कुछ सूरज निकला हुआ, कुछ फिर बादल हो गए काले काले। अब तो ठंडी हवा आ रही है उस तरफ से, तो बिल्कुल यूँ काला हो रहा है, यूँ लगने लग रहा है जैसे बरस रहा हो, काला हो रहा है, चेंज हो गया काफ़ी ना। पर इस तरफ से यूँ है खुला हुआ है, उधर से बारिश का है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और मेरे काम भी हो गए 2-3 जो मैंने करने थे। अरे मैं चलूँ हूँ फटाफट नीचे, पानी पुनी सारा चिड़िया करो सारा भर दिया, मैं केले के छिलके लेकर चलूँ, सुखा रखे हैं, पाउडर हाँ बना दिया करो ना, फिर बया करो, वो सूखे पड़े हैं केले के संतरे के, वो उठा के लेकर चलते हो, पीस दूँगे ना। आज एक स्पेशल मिक्सी रखी हुई है इनके लिए, ऊपर ही रखूँगी उसने उठा के ना। टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 9:15 हो रहे हैं, माता को खाना बना के दे के आते हैं, तो जब ही सब्जी बनी है बनाने में पहले सब्जी बनाती हूँ फिर खाऊंगी। सब्जी में है दाल पालक, पालक अपनी घर वाली सबकी, कई लोग कहते हैं हम गर्मी में पालक नहीं खा रहे, घर पे क्यों खावा भाई, अपने घर में छत पर लगा के ना, वैसे तो नहीं खाते क्यों, उसमें टेस्ट नहीं आता, पर घरवाली खूब खाते हैं। वैसे तो बाहर से जो लाते हैं उसमें छाटने में मजा ही नहीं आता, वो अंदर से गली हुई सड़ी हुई, तो वो तो मेरा भी दिल नहीं करया करता बाहर से लाके। पर 2 साल हो गए पिछली गर्मियों में भी, सर्दियों में तो होती है पिछली गर्मियों में भी, और अब भी तो हम तो अपनी पहले 2 ग्रो बैग में लगा लेते हैं, एक में जिस तरह पहले, एक में महीने के बाद, तो एक कटे तो एक तैयार रहती है मेरी तो, और अच्छी भी लगे है सारी हाँ। घिया तोरी ये चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, और तो घिया तोरी टिंडा ये चीज़ चलेंगी, तो पालक हो तो कई चीज़ें बन जाती है, पालक पनीर है, आलू पालक है, दाल पालक है, तो हम खा लेते हैं।
बेसन का चिल्ला बना रहे हैं तो उसमें पालक, और किसी चीज़ में डाल रहे हैं तो उसमें पालक, पालक का रायता भी बन जाता है, तो काफ़ी चीज़ें बन जाता है एक पालक से ही। मैं अपने लगा के रखा करूँ, बल्कि अभी फिर बोई है मैंने तो 10-15 दिन पहले, तीसरे में और बोई है मैं, कल ना कोई मांगने लग जाए तो फिर एट ए टाइम ना पाए तो कम से कम थोड़ी और कर लूँ, क्यों खाली पड़े हुए थे घरों पर, तो उनमें और कर दी फिर मैंने दो तीन ना में लग गया। उस तो जूस ने निकाला, मौसमी वैसे काट के लेके आई हूँ, मौसमी था और पाइन एप्पल था, दो तीन पीस पाइन एप्पल के और अपने जो सोक ड्राई फ्रूट। अब काम करके ना, काम तो नहीं है, सब्जी सब्जी बना कर ना रही, अपनी पेट पूजा कर लूँ। अपना मौसमी ले आई हूँ काट के ना, वो मैंने दिखाई दिया, इतना सब्जी बनाई थी रोड काम संग करके आई, तो मौसमी भी साथ के साथ ही काट लिया, पाइन एप्पल कटा के ले आई घर, क्यों घर में नहीं कटता ना, फिर उसके वो काटे रह जाते हैं तो उसी पर ही कटवा लिया। अगर हम इसे फ्रूट वाले कैसे ना, आज मैं जूस नहीं लेते, फाइबर वाली चीज़ें ले ना जूस की बजाय, जूस तो एक आध बार बीच में वैसे ले लिया करूँ, बेटा मांगा तो नहीं, मैं जूस कम ही लिया करूँ, वैसे खाना पसंद करा करूँ। अपना बाउल मैंने दिखाई दिया, भर के ले रही हूँ पूरा फ्रूट का, लेना तो स्प्राउट्स आ रही थी, पर स्प्राउट्स मैंने कल रात ने ले लिए थे, पेट पूजा कर लें फिर आगे का काम धंधा करांगे, कोई क्यों कोई नहीं नू कहना आला है, तू भी बैठ के खा ले कोई ना गवे, सबने काम तो मतलब है ना, कोई नू भी नहीं पूछता, तेने रोटी खा ली के खा लिया ना खा लिया, अपने आपे करना है आपे खाना है, तो इससे अच्छा अपना खावा और फिर काम लगा, फिर खा ले फिर काम लाए जाओ, तो ये तो है ही। किचन में लगी हुई थी साथ साथ ही भी कर दिए, छिलके जो सुखा रखे थे ऊपर ले आकर ना पुराने वाली मिक्सी से इनको कर दिया करूँ, इनको ऊपर डाल के आती हूँ, तो इस तरह ये केले का कर दिया और ये संतरे का, संतरे का तो यूँ है कीड़े मकोड़ा के लिए, तो पानी में भिगो कर रख दे संतरे वाले को, तो स्प्रे मार दे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, फूल फलना पे या बेल वालियों पे, और खुशबू भी अच्छी आवे है। केले का ये है, केला फूल बहुत लेता है पौधों पर, चाहे फूल वाले पौधे हो चाहे सब्जियाँ हो चाहे कुछ भी हो, ये उसके लिए है, एक डब्बा ऊपर भरा हुआ है, तो एक ये केले खा के ना छिलके सुखा दिया करूँ धूप में, फिर पीस दिया करूँ। अमेजोन से मंगवाओ तो मेरे ख्याल से 400 रुपये किलो कुछ इस तरह है, 250 रुपये केले के छिलके का पाउडर, और संतरे का भी कुछ ऐसा ही सेम ही रेट है ये ऑर्गेनिक में, पाने की बजाय अपना इसी तरह सुखा कर और पीस लिया करूँ। एक डिब्बा ऊपर भरा हुआ है, ऊपर वाले डिब्बे में डाल के आऊँ इनमें, पनिया में तो यूँ डाल दिया था कि नीचे लेके किस चीज़ में जाऊँगी, तो पनिया में डाल कर ना अपना ऊपर डाल के आते हो। बात टाइम हो गया 12:15, फ्री होके आई हूँ और अब लाई हूँ अपनी एक बटर मिल्क का गिलास, होना गया लस्सी का, पुदीना धनिया जीरा पाउडर कड़ा नमक हरी मिर्च और अदरक सारी चीज़ें पीस के और बढ़िया ही टेस्टी ही बना के लेके आई हूँ। यो भी तो ठंडा पीने को कर रहा था, क्यों ऊपर चली गई थी छत पर, वहाँ लगी रही पसीने आगे, इतनी देर में फिर लीता ने नीचे को निमटा दिया, उन्हें झाड़ू पोछा करके मन ऊपर छत पर टाइम लग गया, मैं अपना करके आई, यूँ ठंडा ठंडा पीने ने दिन कर रहा था ना गर्मी में, कुछ ठंडा है बना के पीओ, और कुछ तो मैं पिया नहीं करती, तो मैं ये बनाती हूँ बटर मिल्क बनाती हूँ। टाइम हो गया 1:45, अपना खाना बना के ले रही हूँ, वीडियो बनानी भूल गई थी, असल में भूली भी नहीं थी, खाना बनाते बनाते फ़ोन आ रहा था, रोटियाँ सेकनी थी सैलेट सुलेट थे तो उसी में लगी रही साथ के साथ, फिर वह वीडियो बढ़ने ही नहीं थी, क्यों फ़ोन आ जाए तो फिर तो वीडियो बढ़ेगी नहीं, फिर नहीं हुआ अपना काम ही लगे रहो, अपना खाना बना लाई हूँ, अपना खाना खा लेती हूँ, खाने में है दाल दही और रोटी करेला। कभी यूँ लगे कि झूठ बोलती है, क्या नहीं खा, क्या खा रही है क्या नहीं, तो सामने है जो चीज़ वो दिखा देती हो। आज का खाना दही की कटोरी, दाल पालक और सैलड की प्लेट और रोटी करेला और एक मिर्च। टाइम हो गया 7:30 हो गए हैं, लंच के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया, चाहे चूहे पी के ना बेटे को कुछ शॉपिंग करवाने चली गई थी, फिर लेट आई, लेट आने के बाद तो दो एक चक्कर शहर के लगाने चली गई, तो अब आई हूँ, अब अपने काम चलेंगे शाम वाले, तो इसलिए आज शाम फिर कुछ बनाया ही नहीं, यहीं से व्लॉग की भी एंडिंग कर दूँ, कल मिलते हैं फिर, तब तक राम राम।